हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। आज हम जनरल साइंस में लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ओके, तो जनरल साइंस में हमने मतलब EVS की टेक्स्ट बुक में हमने 1 से 4 लेके तक चैप्टर देख लिए, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे आज हम इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में देखेंगे और छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं ना उसके बारे में। तो फर्स्ट है बर्ड्स। ओके, तो बर्ड्स के बारे में पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 33 टेक्स्ट बुक में तो आप देख सकते हो कि पूरा हमें चार्ट दिया है। तो यहाँ पे स्मॉल बर्ड्स, बिग बर्ड्स एंड वेरी स्मॉल बर्ड्स, तो यहाँ पे हमें 3 अलग अलग प्रकार के बर्ड्स दिए, जो सबसे बड़े हैं, फिर स्मॉल है और सबसे छोटे बर्ड्स। ओके, तो पहले तो हम बिग बर्ड्स में देख ले। तो आपको पेज नंबर 33 जो दिया है वहीं पे बिग बर्ड्स का लिखा होगा। ओके, तो इस साइड जो है वो सभी बिग बर्ड्स है। तो यहाँ पे हमें बिग बर्ड्स में दिया है जैसे कि ईगल, ऑस्ट्रिच, पीकॉक एंड क्रैन। फिर स्मॉल बर्ड्स, तो उसके सामने मतलब ऊपर की साइड आप देख सकते हो वहाँ पे स्मॉल बर्ड्स है। तो स्मॉल बर्ड्स में क्या है, तो पैरट, क्रॉ, किंगफिशर, पिजन एंड कुकटू। तो यहाँ पे ये स्मॉल बर्ड्स मतलब बड़े भी नहीं और छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के, और यहाँ पे सबसे छोटे मतलब वेरी स्मॉल बर्ड्स। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटे बर्ड्स दिए हैं, रॉबिन, हमिंग बर्ड्स, स्पैरो, कैनरी। तो ये जो बर्ड्स हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी बर्ड्स के अलग अलग कलर्स भी होते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग से। बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स, बर्ड्स हैव 2 लेग्स एंड 2 विंग्स, दे कैन फ्लाई इन द एयर। तो बर्ड्स है वो एनिमल में आता है। ओके, और बर्ड्स के क्या होते हैं, 2 लेग होते हैं और 2 विंग्स। 2 विंग्स मतलब उसके जो पंख होते हैं वो, और वो कहाँ पे उड़ते हैं, तो वो ऊपर फ्लाई करते हैं। बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, तो बर्ड्स है वो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग उसकी साइज होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखे सभी बर्ड्स अलग अलग है, सभी बर्ड्स के अलग अलग कलर्स है, सभी बर्ड्स के अलग अलग साइज है, किसी के कलर में भी डिफरेंट है। ये पैरोट कलर, पैरोट है, उसका कलर पैरोट है। फिर यहाँ पे स्पैरो देख रहे हो तो स्पैरो का कलर भी अलग है, मतलब सभी बर्ड्स का कलर है वो अलग अलग होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर टू, सम बर्ड्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल एंड सम आर वेरी स्मॉल। तो सभी बर्ड्स के जो कलर, आकार, जो भी शेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे सभी बर्ड्स कैसे होते हैं, तो कभी कोई बर्ड्स बिग होता है, कोई स्मॉल होता है और कोई वेरी स्मॉल। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 34, तो यहाँ पे हमें दिया है कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। ओके, तो ये जो बर्ड्स है उसके विंग्स होते हैं, मतलब आप देख सकते हो कि जो पेंगुइन है उसके विंग्स होते हैं, और फिर ऑस्ट्रिच है उसके भी होते हैं, और कीवी के भी होते हैं, बट वो इतने हल्के होते हैं कि वो ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते। ये बर्ड्स में ही आते हैं, बट कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो फ्लाई नहीं कर पाते। क्यों फ्लाई नहीं कर पाते, बट जो उसकी विंग्स होती है ना बहुत ही हैवी, मतलब हैवी नहीं होती है वो, बहुत ही कहते हैं ना कि हम वीक होती है, इसलिए वो फ्लाई नहीं करते। यहाँ पे दिया है कि बिकॉज ऑफ वीक विंग्स, कि उसके जो विंग होती है बहुत ही वीक होती है। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, सभी बर्ड्स, जो हम बर्ड्स का नाम लेते हो तो हमें यही लगता है कि बर्ड्स तो फ्लाई करते हैं, बट नहीं, कोई बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई नहीं कर पाते। हाउएवर सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस, दिस बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ वीक विंग्स। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जो फ्लाई नहीं कर पाते, जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, वो लोग, उसके पास विंग्स होती है बट उसकी जो विंग्स होती है बहुत ही वीक होती है। फिर नेक्स्ट है फूड ऑफ बर्ड्स, तो सभी बर्ड्स के अलग अलग फूड होते हैं। कुछ जो बर्ड्स है वो सीड्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स है वो छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है कि सभी बर्ड्स क्या क्या खाते हैं, कि बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड, दे डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड। क्योंकि बर्ड्स के टीथ नहीं होते, उसके दांत नहीं होते, वो किससे खाते हैं, तो अपनी जो चोंच होती है ना, ब्रेक, उससे खाते हैं। दे हैव बेक एंड क्लाउ, दे यूज देयर बेक एंड क्लाउ टू ईट, टू होल्ड फूड एंड टू ईट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेक्स एंड क्लाउ, दे डिफर इन साइज, शेप्स एंड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। मोस्ट बर्ड फीड ऑन सीड्स, फ्रूट्स,
वर्म्स एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं उसके टीथ नहीं होते, वो किससे खाते हैं? अपनी चोंच से। तो वो जो कोई भी खाना है वो पकड़ने के लिए अपने पहले चोंच से वो पकड़ते हैं, फिर उसे खाते हैं। ओके, और सभी बर्ड्स का खाना अलग अलग होता है। कोई सीड्स खाते हैं, कोई फ्रूट्स खाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पैरोट है, वो दाना भी खाते हैं, मतलब वो मिर्ची भी खाते हैं, और वो मैंगो की जब सीज़न होती है तो वहाँ पे मैंगो भी वो जा ट्री पे जाके वो खा लेती है। और कुछ बर्ड्स है वो छोटे छोटे सिर्फ इंसेक्ट ही खाती है। ओके, जैसे कि आपने क्रो, तो आपने क्रो को देखा होगा कि वो कुछ इंसेक्ट मतलब कुछ एनिमल्स को वो शिकार करके खाते हैं, जैसे कि रैट होता है या वो पिजन वगैरह, वो एग वगैरह वो आपने देखा होगा कि ओके। तो कुछ बर्ड्स है वो ऐसे दूसरे एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं, और कुछ एनिमल्स है वो छोटे छोटे सीड्स मतलब दाना वगैरह खाते हैं, और कुछ बर्ड्स है वो फ्रूट भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं। ओके, सम बर्ड्स लाइक द ईगल, फैकन, ओवल, वेल्टू एंड काइट प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स सच एंड स्नैक्स, माइस, फ्रॉग्स एंड फिश, दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि फ्लैमिंगो एंड किंग फिशर वो ईट फिश, तो ये जो बर्ड्स है ना वो दूसरों को शिकार करके खाते हैं, वो फिश वगैरह ज़्यादा खाते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स लाइक द फ्लैमिंगो एंड किंग फिशर कैच द एंड ईट फिश, तो वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? फिश। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो फ्लैमिंगो है और किंग फिशर वो कौन सा किसका शिकार करते हैं? तो फिश का शिकार करते हैं। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 35। तो अब है इंसेक्ट। ओके, तो इंसेक्ट में कौन कौन आता है? तो यहाँ पे दिया है आंट, हनी बी, बटरफ्लाई, मॉथ, हाउस फुली, कॉकरोच, मॉस्किटो एंड ग्रास हॉपर। ओके, तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? इंसेक्ट। इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स विथ सिक्स लेग, वो भी एक एनिमल्स है बट उसके लेग्स कितने होते हैं? सिक्स। सम इंसेक्ट हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। और कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उसके क्या होती है? विंग्स भी होती है बट वो फ्लाई करते हैं। बट वो कितना फ्लाई करते हैं? जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना बहुत ही ऊपर की तरफ, बहुत ही हाई लेवल में जाते हैं ना बहुत ऊपर की तरफ, उतना ये इंसेक्ट है वो इतना फ्लाई नहीं कर सकते, वो इतना इतना फ्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट हैव अ पेयर ऑफ फिलर्स, दे यूज देयर फिलर्स एंड फाइंड फूड, बीज, आंट्स, बटरफ्लाइज, क्रोकोडाइल, कॉकरोच, टर्मिक एंड मॉस्किटो एंड हाउस फुली आर सम कॉमन इंसेक्ट। तो ये जो आप देख रहे हो कि बटरफ्लाई है, हनी बी है, ग्रास ऑपर है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, वो नॉर्मल जो हमें रोजिंदा देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और उसके कितने लेग होते हैं? सिक्स। और आप देख सकते हो कि सभी अलग अलग है, अलग अलग कलर है, अलग अलग उसके शेप है, और इसका भी खाना अलग ही होता है। जैसे कि ये हनी भी है तो वो फ्लावर पे जाके उसका रस निकाल के फिर वो हनी सब करते हैं ना जमा। और ये अंट है मतलब चींटी, वो तो सभी खाती है, मतलब वो चीनी का जो दाना होता है वो भी लेके भागती है, फिर हम कोई खाना खा रहे तो वहाँ पे भी आके वो कुछ भी मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वो कुछ भी खा सकते हैं। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 36। तो यहाँ पे दिया है फूड ऑफ इंसेक्ट कि उसका खाना क्या होता है। तो सम इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट, सम इंसेक्ट ईट अदर इंसेक्ट एंड डेड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे एनिमल्स जो इंसेक्ट होते हैं उसे आप देख सकते हो कि प्लांट्स में, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर वहाँ पे चिपके हुए होते हैं। तो क्यों? क्यों छोटे छोटे इंसेक्ट वो ज़्यादातर लीव्स खाते हैं, जो फ्लावर होते हैं उनमें से वो जो उसका रस होता है वो निकाल के उसको पीते हैं। और कुछ इंसेक्ट वैसे होते हैं कि अदर एनिमल्स जो मरा हुआ होता है उसका वो उसको वो खाते हैं, मतलब डेड एनिमल्स होते हैं वो उसके उसे खाते हैं। फिर है शेल्टर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट लिव एवरीवेयर। तो इसका जो हाउस मतलब घर, इंसेक्ट का घर कहीं पे भी हो सकता है, कि ज़्यादातर हमारे घर पे भी होता है, कहीं फ्लावर पे भी होता है, प्लांट्स में होते हैं, कहीं इंसेक्ट है तो ग्राउंड में भी होते हैं। इंसेक्ट लिव एवरीवेयर, दे लिव इन आवर हाउसेस, दे लिव ऑन द ट्रीज एंड ब्रांचेस ऑफ सोइल, दे ऑल्सो लिव इन और नियर वाटर। तो आप पीछे में देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसका हाउस कहाँ पे होता है, तो उसका कोई हाउस फिक्स नहीं होता है, कि वो ज़्यादातर हमें इंसेक्ट घर में भी देखने के लिए मिलते हैं,
कुछ इंसेक्ट हमें ट्री में भी देखने के लिए, लीव्स में देखने के लिए मिलते हैं, और कुछ जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे हमें नियर वाटर, जो पानी की नदी ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें उसके नज़दीक आजू बाजू में हमें देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस उन लोगों का जो रहने का होता है वो वहीं पे होता है। और कुछ इंसेक्ट है उसका मतलब रहना लीव्स में होता है, जैसे कि आंट चींटी होती है, तो वो ज़्यादातर हमें कहाँ पे मिलती है, तो ज़्यादातर हमारे घर पे भी हमें जो कोने दरवाजे के जो कोने होते हैं ना, वहाँ पे हमें उसके इतना सा हाउस होता है, हमें अगर होल देखे तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि चलो यहाँ पे चींटी है, तो फिर हम वहाँ पे दवाई वगैरह डालते हैं। और पेड़ पे भी चींटियाँ होती है, ओके। तो इंसेक्ट होते हैं उसके हाउस कोई फिक्स नहीं होता है, उसके हाउसेस बहुत सारी जगह पे होता है, हमारे घर पे भी होते हैं, ट्री पे भी होते हैं, और वाटर नियर वाटर मतलब नदियों के पास भी होते हैं। और उसका खाना भी, इंसेक्ट जो उसके खाने में लीव्स, फिर सीड्स, और जो डेड मतलब मरे हुए जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उसको भी वो शिकार करके खाते हैं। और जो बर्ड्स है उसका भी खाना अलग अलग होता है, उसका भी वो सब रहते कहाँ पे है, तो कुछ बर्ड्स है वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं, और कुछ जो बर्ड्स है वो दूसरों के घोंसले में रहने के लिए जाता है, ओके। जैसे कि क्रो है तो वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता, जैसे कि पिजन, स्पैरो, कुछ उन लोगों ने अपना वो बनाया हुआ होता है, तो वो क्रो वहाँ पे जाके उसके अंडे को मार के फिर वो अपने अंडे को वहीं पे रख के वो रहने लगता है। मतलब क्रो है वो कभी भी अपना खुद का घर नहीं बनाता, वो दूसरे को घर पे रहते हैं। फिर बर्ड्स है तो उसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं और वेरी स्मॉल होते हैं, उसके कलर, सेफ वगैरह अलग अलग होते हैं, उसका खाना भी अलग अलग होता है। और वैसे ही इंसेक्ट जो है उसके लेग्स कितने होते हैं, उसके लेग्स 6 होते हैं और उसका भी 2 विंग्स होते हैं, ओके। और कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लाई नहीं कर पाते, जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉकरोच, तो आपने कहीं भी देखा होगा कि कुछ कॉकरोच है वो फ्लाई करते हैं और कुछ कॉकरोच है वो फ्लाई नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमें बर्ड्स में कौन दिया था कि जो कीवी, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन है वो उसके पास विंग्स होती है बट वो फ्लाई नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसकी विंग्स बहुत ही वीक होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट लास्ट में हमें दिया है पेज नंबर 36 में नो आई नो, तो यहाँ पे हमें 9 पॉइंट दिए हैं, तो देख लेते पहले। फर्स्ट है बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स, तो वो क्या है? एनिमल्स है। सेकेंड है बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उसके अलग अलग शेप्स और साइज होते हैं। थर्ड, मोस्ट बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। फोर्थ है बर्ड्स फीड ऑन सीड्स, फ्रूट्स एंड इंसेक्ट। फिफ्थ है बर्ड्स, सम बर्ड्स ईट स्मॉल एनिमल्स, दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। सिक्स है इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 लेग, जो इंसेक्ट है वो सबसे छोटे एनिमल्स उसे माना जाता है, बट उसके कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स। सेवन, मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। एट, इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट्स अदर एंड इंजेक्ट एंड फीड एनिमल्स। 9 है इंसेक्ट लिव एवरीवेयर ऑन लैंड इन द वाटर, तो जो इंसेक्ट है वो कहीं पे भी रह सकते हैं, ओके, जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये चैप्टर होमवर्क में दे रही हूँ कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो लर्न करना है, कि बर्ड्स की साइज अलग अलग होती है, उसका जो कलर होता है वो भी अलग अलग होता है, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट कहाँ पे रहते हैं, इंसेक्ट की भी साइज अलग अलग होती है, इंसेक्ट के लेग्स कितने होते हैं, इंसेक्ट के भी जो कुछ होते हैं उसके विंग्स होते हैं, और बर्ड्स में भी किसी के विंग्स होते हैं बट वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको फिर से लर्न करना है, और आपको ज़्यादा इंसेक्ट और बर्ड्स के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब मतलब आप यूट्यूब में सर्च करोगे इंसेक्ट और बर्ड्स के बारे में, तो आपको ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे बर्ड्स होते हैं, कैसे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, ओके। तो ये पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज, तब तक आपको ये पूरा चैप्टर लर्न करना है।